हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सब कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सुबह हो गई है, सब लोग उठ चुके हैं, सब लोग अपना अपना पढ़ाई कर रहे हैं रूम में। मैं भी अपना स्टडी कर रही हूँ। इसके बाद सब लोग मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर जाएँ, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मूड भी सही रहेगा, मन शांत रहेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपका काम करने में भी मन लगेगा। तो हम सभी मॉर्निंग वॉक भी साथ में ही जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। अकेले ना जाएं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप बाहर रहते हैं तो वहाँ जाएं, आप घर पे रहते हैं तो फैमिली के साथ जाएं। अब देख रहे हैं हम आ गए, पास ही में जो पार्क है वहाँ हम लोग आ चुके हैं। देखिए सिस्टर एक्सरसाइज कर रही है, सभी अपने अपने में लगे हुए हैं। मैं भी कम करती हूँ लेकिन मैं योगा ज़्यादा कर लेती हूँ। मैं अपना बैठ के आराम से योगा करती हूँ और वॉक कर लेती हूँ। और इसके बाद हम सब घर जाएंगे। घर जाने के बाद ब्रश ब्रश सब कर लेंगे। ब्रश ब्रश करने के बाद चाय वाय बनेगी। चाय बन चुकी है, आज चिप्स खाने का मन था तो चिप्स भून ली गई है। और इसके बाद सब नहाएंगे, तैयार हो जाएंगे और खाना वाना बनेगा। आज खाना बनने का टाइम कम है तो पराठा सीख लिया गया है, पराठा ही लेके मैं चली जाऊँगी और कैंटीन में सब्ज़ी ले लूँगी क्योंकि कभी कभार थोड़ा लेट हो जाता है तो सब्ज़ी नहीं बन पाती है, खाना भी नहीं बन पाता है क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है। आप देख सकते हैं इतना ढेर सारा बर्तन मैंने धुला है, आप देख रहे हैं ये मैंने खुद ही धुला है। मैं ऐसा नहीं कि सब पढ़ाई करती हूँ काम नहीं करती हूँ, काम भी करना होता है। अपने घर का काम करने में कोई बुराई नहीं होती है, सभी को अपने घर का काम करना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए। और बाहर खाना खाया था, पराठा बन ही गया था और हम लोगों ने सब्ज़ी लेके खा ली थी। और अब शाम को हल्का फुल्का खाने का मन था तो मैक्रोनी बॉयल हो रही है, मैक्रोनी बनेगी। और देखिए बीन्स काटी जा रही है, प्याज काट दिया गया है, गाजर मिर्चा सब काट के फ्राई किया जाएगा। मुझे मैक्रोनी बहुत पसंद है तो हम सब लोग ने खा ली है। और अब सब स्टडी करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो भी काम करना था वो काम सारा हो चुका है, हम सब मिल के एक साथ काम कर लेते हैं। देखिए आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका पढ़ने मन नहीं लगता है तो आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। आप उसे ज़्यादा समय देंगे, आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी तो वो सब्जेक्ट आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे ये सब्जेक्ट इंटरेस्ट नहीं, इसमें ये मुझे अच्छा नहीं लगता तो उसको आप छोड़ दें। कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है। आप जिस भी जो भी आपका सिलेबस है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है, सभी को लेके चलना है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, आपका जो भी एम है तो आप उसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम दें। ये घर का काम है सबके पास होता है, जॉब कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आप स्टडी कर रहे हैं तो आप पढ़ाई को सबसे ज़्यादा टाइम दें। ऐसा नहीं कि देख करना सब कुछ ज़रूरी है, थोड़ा इंजॉय करना भी ज़रूरी होता तो वो भी आपका है। ऐसा नहीं कंटिन्यू पढ़ते रहें, ब्रेक भी लेना ज़रूरी है। तो आप किताबों को सबसे ज़्यादा टाइम दें, अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा टाइम दें। धन्यवाद।